शराब की लत, उसके कारण और उसका उपाय, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त महाराष्ट्र में पिछले 39 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। शराब सोशल ड्रिंक करके ली जाती है, एक अच्छी किक मिलती है, एक हीमैन टाइप लगता है कि नहीं नहीं शराब पी रहा मतलब कुछ तो भी हीमैन है, और फिर शौक है बताना है कि देखो मैं शराब अफोर्ड कर सकता हूँ इसलिए भारी भारी ड्रिंक्स लेना है, मतलब ऐसे कारणों के लिए शराब की शुरुआत होती है। मेन कारण जो पाया गया है वो है फैमिली रीज़न, पारिवारिक, लाइक घर में पिताजी या और कोई ड्रिंक करता है और वो देख देख के लोग शराब पीना चालू करते हैं। दूसरा है कि कॉलेज की शुरुआत करते हैं तो कुछ तो भी एक ऐसा लगता है कि नहीं अपन अभी बड़े हो गए, और नई कंपनी चालू होती है वहाँ से शुरुआत होती है। तो तीसरा एक नया जॉब चालू होता है, फिर सेलिब्रेशंस, फिर गर्लफ्रेंड, उनके सामने जरा ये बताना, हीमैन टाइप बताना, मतलब ऐसा जरा रूप बताना, उसके लिए फिर शराब पी जाती है। फिर दोस्तों का प्रेशर, जो कंपनी में आप रहते हैं वहाँ सभी यदि पी रहे हैं और आप वहाँ बैठे हुए हैं तो उनका प्रेशर होता है कि आज के दिन ले ले, क्या होता है, तू बायला है क्या, तू क्या ये है क्या, लड़की है क्या, ऐसा क्यों नहीं, मतलब एक बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है और वो अच्छा दिखना चाहिए सबके साथ में बैठे तो पीना पड़ता है। कोई लोग पावर बढ़ाने के लिए, अपन पावरफुल है, अपन अफोर्ड कर सकते हैं, पावर बढ़ाना है, पीने के बाद में मानसिक जरा ऐसा एक इलेशन आता है ना, मूड का इलेशन अच्छा लगता है, ताकत भी आती है, और फिर अपन कुछ भी बोल सकते हैं किसको भी, डेयरिंग से कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, इसलिए भी लोग शराब लेते हैं। फिर समस्या से छुटकारा पाने के लिए, कि सामने बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, समझ में नहीं आ रहा है, बहुत एंग्जाइटी है, टेंशन है, स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, शराब पी लिया सो गए या शराब पी लिया और भूल गए। नेक्स्ट, एंजॉयमेंट के लिए लोग लेते हैं कि उसमें जो मूड अच्छा हो जाता है, खुशी लगती है, उसके लिए एंजॉयमेंट, और फिर ऐसा गर्मी आ जाती है, एंजॉयमेंट होता है, टाइम पास होता है, फिर उसमें तो उसके लिए। फिर कुछ लोग फ्री टॉक के लिए लेते हैं, फ्री टॉक मतलब जो मन में बातें बात नहीं कर सकते तो इसलिए चलो बैठेंगे और फिर बात कर लेंगे, तो फ्री टॉक होना चाहिए करके, या बॉस के सामने जाना है बोल नहीं सकते वैसा, बॉस के सामने तो पियेंगे, बॉस के सामने जाएंगे इलायची खा के कि बॉस नहीं आना चाहिए, और फिर बात करेंगे डेयरिंग से। सेक्स बढ़ाने के लिए अल्कोहल ली जाती है, ऐसा बोला जाता है कि अल्कोहल इंक्रीज डिजायर बट टेक्स अवे द परफॉर्मेंस, मतलब इच्छा बहुत होती है शराब लेने के बाद में मगर परफॉर्मेंस करना मुश्किल होता है, एक्चुअली उल्टा हो जाता है। फिर कुछ लोग शराब घूस देने के लिए करते, करप्शन, कि भाई गवर्नमेंट ऑफिसर से करप्शन करना है, फिर उनको लेके जाओ, पार्टी दो, साथ में बैठो पियो, और फिर करप्शन करना, पैसे देना है तो उनके साथ में बैठे, बड़ा ऑफिसर है उसके साथ में बैठना है तो पीना ही पड़ेगा, अच्छा दिखता नहीं उसको कि मैं नहीं पीता और अकेले आप पियो तो मेरे को भी पीना पड़ता है, इसलिए भी लोग ये पीते रहते हैं कि भाई ऑफिस पार्टी है, बॉस को खुश करना है, इसके लिए पीते हैं। तो ऐसे अनेक कारण है कि जिसके लिए लोग शराब पीते रहते हैं, और शराब पी के फिर एक तो लीवर बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाता है, सिरोसिस ऑफ लीवर जल्दी हो जाता है, फैट डिपोजिशन लीवर में होता है, शराब ब्रेन के ऊपर असर करती है, शराब पाचन संस्था के ऊपर असर करती है, शराब से फाइनेंशियल लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं, शराब से मूड डाउन हो गया तो डिप्रेशन, साइकोसिस, फिट्स, ये भी हो सकती है। इसके लिए जब भी हमारे पास में शराब का व्यसनी आता है, लत लगने वाला, तो उसको हम हमारे हॉस्पिटल दाखिल कर लेते हैं, देखते हैं कि उसको सिरोसिस ऑफ लीवर है क्या, उसको पीलिया हुआ है क्या, यदि उसको सिरोसिस हुआ है, पीलिया हुआ है, लीवर फंक्शन सब एबनॉर्मल है, तो हमारे हॉस्पिटल में सन्मित्र हॉस्पिटल जो है केळकर हॉस्पिटल के अलावा, उसमें गवर्नमेंट की योजना है महात्मा ज्योतिबा फुले जीवनदाय योजना, उसमें फ्री मुफ्त में इलाज होता है उसका, यदि योजना में बैठता है तो कोई पैसा लगता नहीं है, उसमें हम एडमिट कर लेते हैं, उसमें नहीं बैठता है तो उसको दवाई, इंजेक्शन, गोलियां देके उसका इलाज करते हैं। डायसल्फिराम नाम की गोली ऐसी है कि जो गोली लेते हैं तो लेने के बाद में यदि उसके ऊपर शराब पिया तो उल्टियां आ जाती है, चक्कर, घबराहट, बेचैनी, पसीना आना, ऐसा होता है, और वो तकलीफ से फिर आदमी पीता ही नहीं है, तो एक वो एवर्शन ट्रीटमेंट है डायसल्फिराम, तो वो देते हैं। शुरू में जब एडमिट करते उसको तो भूख लगती नहीं है, नींद नहीं आती है, पसीना बहुत आता है, खाना नहीं आता है, तो उसके लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना पड़ता है, तो इसलिए हम हॉस्पिटल में दाखिल करते, शराबी का इलाज करते। हमारे यहाँ ऐसी भी व्यवस्था है कि पेशेंट को अकेले भर्ती करना है तो अकेले भी रख सकते हैं और रिलेटिव्स बाद में आके उसको लेकर जा सकते हैं, पेशेंट के साथ में रहना है तो पेशेंट के साथ में भी रह सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि शराबी आता नहीं है खुद होके, बोलता मैं तो क्या शराब कभी भी छोड़ दूंगा, मेरे मन में आया तो छोड़ दूंगा, मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है और घर के लोग परेशान है, फिर हमारे यहाँ डॉक्टर भेजना और आदमी भेजना, उसको इंजेक्शन देना, क्योंकि वो शराब पीता है, वायलेंट होता है, अनकंट्रोल होता है, तो उसको उठा के लेके आना, इंजेक्शन देके वो भी हम करते रहते हैं ताकि उसका इलाज प्रॉपरली हो जाए। जब वो पूरा साइकोटिक है, वायलेंट है, अपने होश में नहीं है, मारपीट, तोड़फोड़ कर रहा है, सुसाइडल अटेम्प्ट कर रहा है, तो उसमें तो उसको ज़बरदस्ती इलाज करना पड़ता है क्योंकि वो होश में नहीं है।
तो ऐसे इसमें हम उसको दाखिल करते हैं, रिलेटिव्स के साथ में करते हैं, रिलेटिव्स के अलावा करते हैं और उनका इलाज करते हैं। संमित्र मानस हॉस्पिटल तथा व्यसन मुक्ति केंद्र ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यदि गवर्नमेंट अप्रूव केस हो गई तो उसका फ्री इलाज होता है। उसमें सिरोसिस ऑफ लीवर है या पाचन संस्था के विकार है, पेनक्रियाटाइटिस है, तो फ्री इलाज होता है। और नहीं अप्रूव होता है तो कम से कम दाम में उसका इलाज होता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके। पता है संमित्र मानस हॉस्पिटल तथा व्यसन मुक्ति केंद्र अकोला केळकर हॉस्पिटल के यहाँ आप संपर्क कर सकते हो उसके लिए। थैंक यू वेरी मच।